हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हमने विद्यालय प्रबंधन के बारे में देखा था, सॉरी चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन का विषय क्षेत्र, अर्थात आज का हमारा टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन का विषय क्षेत्र, ठीक है। या हम इसी को कह सकते हैं स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। तो यदि हम विद्यालय प्रबंधन की बात करते हैं तो विद्यालय प्रबंधन का जो क्षेत्र है वह बहुत ही विशाल अर्थात व्यापक है। इसके अंतर्गत विद्यालय, समाज, शासन स्तर, नीति निर्धारण स्तर पर होने वाले समस्त कार्य विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके हम क्षेत्रों को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है विद्यालय के उद्देश्यों का निर्धारण। इसके अंतर्गत जो भी विद्यालय संचालित किए जाते हैं वह किन किन उद्देश्यों को लेकर कार्य कर रहे हैं उसका निर्धारण विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत होता है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें विद्यालय का संगठन तैयार करना, अर्थात कि विद्यालय का संगठन किस प्रकार का हो, उसका तैयार करने का उत्तरदायित्व तो भी प्रबंधन के पास रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है विद्यालय के संचालन हेतु नीति नियम योजना तैयार करना, अर्थात कि विद्यालय का जो संचालन किया जा रहा है उसमें क्या क्या नियम होंगे, किस प्रकार की योजनाएँ कार्य करेंगी, किस प्रकार की कार्यप्रणाली होगी, इन सारी चीज़ों का निर्धारण भी विद्यालय प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है संसाधन एवं भौतिक संसाधनों का, मतलब मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करना, अर्थात कि विद्यालय प्रबंधन मानव संसाधन और भौतिक संसाधन दोनों की व्यवस्था करने का कार्य संपादित करता है। इनके क्षेत्रों के अंतर्गत कार्य आते हैं। नेक्स्ट आता है विकास हेतु प्रबंधन कार्य, अर्थात कि जो प्रबंधन है उसका यह क्षेत्र होता है कि वह विकास के लिए किस प्रकार की कार्यप्रणाली का निर्धारण करे, वह भी प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है शैक्षिक व्यवस्था के सुचारू नियमित संचालन की व्यवस्था करना। यह विद्यालय में होने वाले प्रशिक्षण कार्य को नियमित संचालन की व्यवस्था करने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट आता है वित्तीय संसाधन जुटाना एवं उचित रूप से वितरण करना। जो भी वित्तीय संसाधन है उनको एकत्रित करना और उनको उचित रूप से वितरण करने का कार्य भी प्रबंधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भौतिक एवं मानव संसाधन की आवश्यकता अनुसार विकास, अर्थात कि जो भौतिक संसाधन है या मानव संसाधन है इनके लिए जिस प्रकार की विद्यालय के लिए आवश्यकता है उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनका विकास करना, ठीक है। ये भी विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है विद्यालय के कार्यालय द्वारा लेखा प्रबंधन, आय व्यय प्रबंधन, अर्थात कि विद्यालय कार्यालय द्वारा लेखा प्रबंधन और आय व्यय प्रबंधन, जो भी प्रबंधन है उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाए यह भी क्षेत्र उसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुशासन की प्रगति संबंधी तथ्यों तथा संकलन एवं विभाग एवं कर्मचारियों को सूचना प्रेषित करना। इससे तात्पर्य है कि जो भी विद्यालय में अनुशासन कार्य चल रहा है या प्रगति हो रही है विद्यालय की, इससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं इन जानकारियों को संकलित करके उच्च विभाग या उच्च अधिकारियों तक प्रेषित करने का कार्य भी विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत या इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है इसका पॉइंट विद्यालय के कर्मचारियों का वेतन, भत्ते, सुविधाएँ और प्रोन्नति आदि के बारे में सजग रहना, अर्थात कि विद्यालय प्रबंधन का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत वह वेतन, जो अध्यापकों को वेतन मिल रहा है या भत्ते मिल रहा है, जो सुविधाएं प्रदान हो रही हैं, इसके अलावा उनका जो प्रमोशन है, इन सारे के बारे में सजग रहना, समय समय पर इनमें वृद्धि या जो भी सुविधाओं की आवश्यकता होती है उनको क्रियान्वित करने का कार्य भी विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अर्थात कि यह विद्यालय के अंतर्गत
विद्यालय में जो भी स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ है या छात्र हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखने का कार्य विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, संस्था के जो भी कर्मचारी हैं या अध्यापकगण हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनको पुरस्कार प्रदान करना, अर्थात जिनके द्वारा कार्य अच्छा किए गए हैं उनको प्रोत्साहित करना, और जिन्होंने अपेक्षानुसार कार्य ना करे किए हैं उनको भी दंड का प्रावधान रखना, जिससे कि व्यक्ति या जो भी कर्मचारी हैं वह सुचारू रूप से और अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है, छात्रों के अभिभावक, समाज के संभ्रांत नागरिक, शासन स्तर के अधिकारी कर्मचारी, इनके साथ अच्छा संबंध बनाए रखना। विद्यालय प्रबंधन का एक उत्तरदायित्व होता है कि वह उस विद्यालय के जो कर्मचारी हैं एवं विद्यालय प्रबंधन वह अपनी सरकार की जो नीतियां हैं उनके ऊपर कार्य करे, उन योजनाओं के ऊपर कार्य करे और उसके अनुसार ही विद्यालय का संचालन करे, और साथ ही साथ छात्रों के अभिभावकों से जुड़ा है, से संपर्क स्थापित करे, समाज के जो संभ्रांत नागरिक होते हैं उनसे संपर्क बनाए रखें, और इसके अलावा शासन के अधिकारी और कर्मचारियों से भी नियमित रूप से संपर्क स्थापित किए रहें। ठीक है, तो विद्यालय प्रबंधन के विषय क्षेत्र के बारे में टेलर महोदय की यदि हम बात करें तो टेलर महोदय ने कहा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन के आधारभूत सिद्धांत हमारे साधारण से साधारण व्यक्तिगत कार्यों से लेकर विशाल नियमों या निगमों के कार्यों तक में लागू होते हैं। अर्थात कि जो प्रबंधन के आधारभूत सिद्धांत हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन के आधारभूत सिद्धांत हैं, वह व्यक्ति के द्वारा यदि कोई साधारण कार्य करता है तब भी वह प्रबंधन के कार्य लागू होते हैं, और यदि कोई विशाल कार्य होता है तो उसमें भी वह कार्य लागू होते हैं। जैसे कि यदि हम छोटा सा एक उदाहरण के रूप में आपको दें कि यदि हम किसी यात्रा पर जाते हैं, छोटी सी यात्रा पर जाते हैं, तो उस यात्रा के पहले भी हम पूरी योजना बनाते हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या हम उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं, तो हमारा काम कैसे होगा, यदि नहीं होता है तो हम किस तरीके से उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यदि हम अपने दैनिक कार्य से संबंधित कोई भी गतिविधि करते हैं तो उसमें भी हम प्रबंधन का प्रयोग किया जाता है, और इसके अलावा यदि हम कोई विशाल कार्य भी करते हैं तो उसमें भी वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन के जो विषय क्षेत्र हैं इनको 9 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है योजना प्रबंधन, दूसरा है विकास प्रबंधन, तीसरा है उत्पादन प्रबंधन, चौथा है परिवहन प्रबंधन, पांचवा है वितरण प्रबंधन, और छठवां है सेवा प्रबंधन, सातवां क्रय प्रबंधन, आठवां स्थापन प्रबंधन, और नौवां है कार्यालय प्रबंधन। तो इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले जैसे योजना प्रबंधन, योजना प्रबंधन में विद्यालय का समस्त कार्य उद्देश्य की प्राप्ति के दिशा में योजनानुसार संपादित हो इसके लिए सुव्यवस्थित रूप से योजना तैयार करना आवश्यक है कि जो भी विद्यालय का उद्देश्य है वह किस प्रकार से सुव्यवस्थित रूप से अपने उद्देश्य को प्राप्त करे इसके लिए एक योजना बनाई जाती है, एक प्लानिंग की जाती है, वह कहलाता है योजना प्रबंधन। नेक्स्ट कहलाता है जैसे विकास प्रबंधन, विद्यालय के स्तर को या यहाँ की गुणवत्ता को, कक्षाओं की मान्यता, उनके विषयों में वृद्धि, कक्षा कक्षों का निर्माण, शिक्षक कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना, ठीक है, मतलब बेहतर सुविधाएं देने के लिए जो प्रबंधन होता है उसको कहते हैं विकास प्रबंधन, मैनेजमेंट। तीसरा इसमें पॉइंट आता है उत्पादन प्रबंधन। उत्पादन प्रबंधन से तात्पर्य है जैसे कि किसी फैक्ट्री में या कंपनी में जो संस्था काम करती है, कंपनी कार्य करती है, उसकी क्वालिटी उसके विद्यालय सॉरी हम कह सकते हैं फैक्ट्री की गुणवत्ता के हम कह सकते हैं उसको क्षमता के बारे में उसकी के बारे में उत्पादन जो उत्पादन प्रबंधन है इस कि जैसे किसी कंपनी का
जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी बेहतर गुणवत्ता, उसके आधार पर ही वह बाज़ार में उसकी मांग बढ़ती है और उसकी एक स्थिति मजबूत होती है। इसी प्रकार से किसी विद्यालय का जो विद्यालय का उत्पादन है कि बालक वहाँ का बालक अपने देश, राष्ट्र, समाज के लिए क्या करता है, किस प्रकार से उसकी सोच है, किस प्रकार से वह अपने गुणों से अपने समाज का को परिवर्तित करने का कार्य कर सकता है, तो इसके द्वारा ही विद्यालय की छवि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अर्थात कि जिस प्रकार कंपनी अपने प्रोडक्ट को की क्वालिटी बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहती है, उसी प्रकार विद्यालय भी अपने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य और अच्छा बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहने का कार्य भी प्रबंधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है परिवहन प्रबंधन। परिवहन प्रबंधन में अधिकांश कई विद्यालय बस्ती से दूर रहते हैं, या जो बालक कहीं अन्य स्थान से विद्यालय में आना विद्यालय पढ़ने आते हैं, तो उनके लिए विद्यालय के द्वारा बसों का, टैक्सी का संचालन किया जाता है, परिवहन का संचालन किया जाता है, जिसके द्वारा वह आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक आ सके। तो ये परिवहन का प्रबंधन, वाहन का प्रबंधन, उसमें डीजल, पानी, कर्मचारियों का प्रबंधन, लेने के लिए समय व्यवस्था, इन सारी चीज़ों का भी प्रबंधन किया जाता है, जिसको हम परिवहन प्रबंधन के अंतर्गत देखते हैं। नेक्स्ट आता है वितरण प्रबंधन, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। इसमें संस्था के विभिन्न कार्यों को उचित विभाजन किया जाता है और आवश्यकतानुसार कर्मचारियों के प्रति को वह कार्य सौंपा जाता है। यदि कर्मचारी संस्था के प्रति निष्ठा भाव रखते हैं तो उनमें द्वेष भावना और स्पर्धा से वो बचते हैं और कंपनी या संस्था प्रगतिशील रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेवा वर्ग का प्रबंधन। विद्यालय की प्रबंध समिति अध्यापकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, पद की भूमिका, वेतन की व्यवस्था, प्रोन्नति आदि ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करती है और समय समय पर कर्मचारियों को मिलने वाली समस्त लाभों को एवं उनका आकलन भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्रय प्रबंधन। विद्यालय के इस प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय के विभिन्न कार्यों हेतु भौतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे फर्नीचर हुआ, मेज कुर्सी हुई, अलमारी हुई, अन्य उपकरण हुए, स्टेशनरी हुई, पुस्तकालय में पुस्तकें हुई, लैब में प्रैक्टिकल के सामग्री हुई, तो इन सारी चीज़ों का क्रय विक्रय करना, ऑफिस के अन्य रजिस्टर आदि का क्रय विक्रय करना, ये सारी चीज़ें भी प्रबंधन समिति के अंतर्गत या क्रय प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। आठवां पॉइंट आता है संस्थापन प्रबंधन। संस्थापन प्रबंधन के अंतर्गत संस्था के लिए आवश्यक भूमि, भवन, आय के सुनिश्चित स्रोत, निर्माण कार्य आदि इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करना भी संस्थापन प्रबंधन के अंतर्गत आता है। सबसे लास्ट का पॉइंट आता है कार्यालय प्रबंधन। कार्यालय प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालयों, शिक्षकों और कर्मचारी संबंधी लेखा जोखा, विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र, विद्यार्थियों के निर्गत किए हुए प्रमाण पत्रों के दस्तावेज, TC, ये सारी सामग्री, ठीक है, उनका संरक्षण करना, कार्यालय में व्यवस्थित रखना, यह कार्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इन 9 पॉइंटों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन को या विद्यालय प्रबंधन के विषय क्षेत्र में इनके वर्गीकरण किया गया है। इनके माध्यम से विद्यालय प्रबंधन को एक सुचारू रूप से, सुदृढ़ रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित, कार्य करने में सहायक सिद्ध होता है। ठीक, थैंक यू, आज के लिए ये, कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।